नमस्कार, आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। मधुबनी जिले के रघेगा प्रखंड क्षेत्र के बसवाड़ा स्थित राधा कृष्ण मंदिर में मुरली वाले सुदर्शन चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण का बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास से छठी पूजन मनाया जा रहा है। धार्मिक अनुष्ठान और विधि पूर्वक छठी पूजन की यहाँ परंपरा रही है। राधा कृष्ण मंदिर में आयोजित भगवान श्री कृष्ण की छठी पूजनोत्सव में अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार का मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। साथ ही डॉन बास्को पब्लिक स्कूल के निदेशक मनोज कुमार, राजनगर के मशहूर आभूषण व्यवसायी शेषनाथ प्रसाद व अन्य अतिथियों के पहुंचने पर मंदिर के महंत विजय नारायण दास के हाथों मिथिला रीति रिवाज अनुसार पाग दुपट्टा से सम्मानित किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार ने बताया कि मैं बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण जी का भक्त हूँ। बताते चले कि पूरी रात विभिन्न कलाकारों के द्वारा श्री कृष्ण जी का भजन संकीर्तन होता रहा। बजरंग दल के मुख्य अतिथि विजय नारायण दास, जिला धर्माचार्य प्रमुख व विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष महेश कुमार, जिला संयोजक सोनू कुमार, रामप्रीत मुखिया, कार्यकर्ता उदय कुमार, मंडल प्रखंड सह संयोजक पंचायत अध्यक्ष पंकज राय, प्रखंड पूर्व अध्यक्ष तरुण राठौर, प्रखंड उपाध्यक्ष लक्ष्मण ठाकुर, खजूरी पंचायत संतोष चौधरी, सुधीर मंडल, बिरजू मंडल, रंजन मंडल, नसीबलाल यादव, अन्य सैकड़ों कृष्ण भक्त मंदिर प्रांगण में उपस्थित थे। रहिका से धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट। आप सबका मतलब बहुत बहुत आपकी का स्पेशली आभार कि आप इस परंपरा को जीवित रखे हुए हैं। हम जितना भी विकास कर लें लेकिन जो हमारा एक मूल है, जो मूल खान पान वस्त्र हमारा जो मूल संस्कृति है, उसी से हम जुड़ाव भी करते हैं और कभी कोई परेशानी होता है उसकी कीटल छाया में आके ही हमें वो सुकून मिलता है ताकि हमारी परेशान से दूर हो पाते हैं। कोई भी लोग चाहे यहाँ के लोग दिल्ली में रहते हो या अमेरिका में रहते हो, उनसे आप पूछेंगे तो तनाव के समय में वो वही अपने अगर मिथिला के लोग हैं तो मिथिला के हम लोग गीत खोल लेते हैं। जो भी यहाँ के गायक हैं या कुछ परंपरा कोई यूट्यूबर पे डाला हुआ है तो वो सुन के और वो देख के जो आना ही मिलता है वो कहीं और नहीं प्राप्त होता है। तो पुनः आप सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि ये परंपरा बनाए रखिए। बाकी हमसे जो इसमें मान जी या किसी को कोई सहयोग की आवश्यकता हो हम सदैव तत्पर हैं। आपको आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज। मधुबनी जिले सहित आसपास की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हम आप तक हर छोटी बड़ी खबरों को पहुंचाते रहेंगे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। फेसबुक पर चौथा स्तंभ डिजिटल पेज को फॉलो करें। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए हमारे न्यूज वेबसाइट www.4thastambhdigital.com पर जाएं।